सफ़ा नंबर 131, नज़म मुसद्दिस मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुश्किल अल्फाज और मायने, लफ्ज़ ढारस मायने हौसला, लफ्ज़ सफ़ीना मायने कश्ती, लफ्ज़ कनान मायने फ़लस्तीन के एक शहर का नाम, लफ्ज़ हिजरान मायने जुदाई, लफ्ज़ मसाइब मायने मुसीबतें, लफ्ज़ अफसरदा मायने गमज़दा, लफ्ज़ पेनू मायने नूह के पीछे, लफ्ज़ जुलेखा मायने अज़ीज़ मिस्र की बीवी, लफ्ज़ ज़ंदान मायने जेल खाना, लफ्ज़ पस्तू मायने कमज़ोरों, लफ्ज़ बाला मायने सरबुलंद, लफ्ज़ कवि मायने ताकतवर, लफ्ज़ खर्दो कला मायने छोटे बड़े, लफ्ज़ रवादाओ मायने जल्दी, लफ्ज़ तोंगर मायने गनी अमीर, लफ्ज़ नारसा मायने ना पहुंचने वाला पस्ती में जाने वाला, लफ्ज़ कई मायने ईरान के बादशाहों का लकब, लफ्ज़ रहोर मायने मुसाफिर, लफ्ज़ दमान मायने दामन, लफ्ज़ पनहान मायने पोशीदा, लफ्ज़ समेन मायने चांदी जैसा, लफ्ज़ 400 मायने चारों तरफ, लफ्ज़ कज़ो मायने बड़ा, लफ्ज़ दिल बुझाना मायने मायूस होना, लफ्ज़ उजाला मायने रोशनी, लफ्ज़ पैर मायने बूढ़ा, लफ्ज़ तकाबू मायने कोशिश जदोजहद, लफ्ज़ बेनवा मायने तंग दस्त, लफ्ज़ दस्तरस मायने पहुँच काबू, लफ्ज़ नाखुदा मायने भला, लफ्ज़ खोरजाद मायने खाने पीने का सामान, लफ्ज़ मुहर्रम मायने राजदान, लफ्ज़ जूता मायने जूतने वाला, लफ्ज़ जान खोना मायने तकलीफ़ उठाना, लफ्ज़ बलाओं मायने मुसीबतों, लफ्ज़ मोजिज़ मायने मोजे मारता हुआ। सफ़ा नंबर 132, अशार की तशरीह। बस ए ना उम्मीदी ना हो दिल बुझा तू, झलक ए उम्मीद अपनी आखिर दिखा तू, ज़रा ना उम्मीदों की ढारस बंधा तू, फसुरदा दिलों के दिल को आकर बढ़ा तू, तेरे दम से मर्दों में जाने पड़ी हैं, चली कथियाँ तूने सरसब्ज की हैं। तशरीह सफ़ा नंबर 133, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली अपनी मशहूर नज़म मुदस्सिस मुदज्जल इस्लाम के आखिर में उम्मीद को मुखातिब करते हुए कहता है, ए उम्मीद तू अपनी झलक दिखा कर मायूस और नाउमीद लोगों की मायूसी ख़त्म कर दे, जो लोग नाउमीद हो चुके हैं उनका हौसला बढ़ा दो और गमज़दा दिलों को खुशियों से मुनव्वर कर दो। ए उम्मीद तू मुर्दों में भी ज़िंदगी पैदा करती है और तेरी ही वजह से जली हुई कुटिया सरसब शादाब हो जाती है। शेर, सफ़ीना पेनू तूफ़ान में तू थी, सको बख्श याकूब का नान में तू थी, जुलेखा के गम ख़वार हिजरान में तू थी, दिल आराम यूसुफ के जंदान में तू थी, मुसाइब थे जब आज कर उनको घेरा, सहारा वहाँ सबको था एक तेरा। तशरी, इस बन में अल्ताफ़ हुसैन हाली उम्मीद को मुखातिब करते हुए कहा है, ये उम्मीद दरअसल तू ही वो कश्ती थी जिसमें बैठ कर नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूफ़ान के थेपड़ों का मुकाबला करते रहे, तूने ही याकूब अलैहिस्सलाम को की जुदाई के दौरान आराम व सुकून दिया और सब्र करने का हौसला अता किया, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाला गया तो इसके इश्क में मुब्तला अज़ीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने जुदाई का गम तेरे ही सहारे बर्दाश्त किया, और तूने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने की सख्तियाँ झेलने की हिम्मत दी, जब ला तदाद मुसीबतें उन पर आ पड़ी तो तूने ही इन्हें सहारा दिया। शेर, बहुत डूबतों को तैराया है तूने, बिगड़ते को अक्सर बनाया है तूने, अकड़ते दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने, बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है। तशरी, ए उम्मीद तू ही डूबते लोगों को तैरने के लिए आमदा किया है, जो बिगड़ते हुए लोग थे तूने ही इनको सीधे रास्ते पर डाल दिया, जो अपने दिल हार बैठे थे उनके दिलों को तूने मजबूत करके सहारा दिया, और जो घर उजड़ गए थे इस काबिल ना थे कि उसमें रहा जाए तो इन घरों को दोबारा आबाद करने के रहने के काबिल बनाया। ए उम्मीद तू कमज़ोर और बेबस लोगों को सरबुलंदी अता की और तूने ही अंधेरे को उजाले में तब्दील किया है। शेर, कवि तुझसे हिम्मत है पैर व जमा की, बंदी तुझसे डारा से खर्द व वका की, तुझी पर है बुनियाद नज़म जहाँ की, न हो तो रौनक ना हो उस दुकान की, तगापो है हर मले में तुझी से, रवारद है हर काफिले में तुझी से। तशरी, ए उम्मीद बूढ़े और जवां की हिम्मत को तू ही ताकत बख्शता है, तू हर छोटे और बड़े का हौसला बढ़ाती है, दुनिया का कारोबार और नज़म व सक तेरी ही वजह से चल रहा है, अगर तू मौजूद ना होती इस दुनिया की चहल पहल और रौनक भी ना होगी, दुनिया में ये रंग व कोशिश और जदोजहद तेरी ही वजह से है,
और तूने ही काफ़िले वालों की हिम्मत और कुव्वत दी है कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। शेर, नवाजा बहुत नवाओं को तूने, तू नगर बनाया गदाओं को तूने, दिया दस्तरस नारसाओं को तूने, क्या बादशाह ना खुदाओं को तूने, सिकंदर को शाह की तूने बख्शी, कोलंबस को दुनिया में नहीं तूने बख्शी। तशरी, ए उम्मीद तूने जंबूर और बेकस लोगों को नवाजा और तूने ही भिखारियों को अमीर और मालदार बनाया, तूने बेख्तियार लोगों को साहब इख्तियार बना दिया और मामूली मलाहों को बादशाह बनाकर उन्हें हुकूमत और इक्तदार किया, तूने ही सिकंदर को ईरान के बादशाहों जैसी शान से नवाजा और एक आम मुला कोलंबस को तूने ही दुनिया अमरीका दरियाफ्त करने में मदद दी। शेर, वो रोहो नहीं रखते जो कोई समा, खोर व जदा है जिनका खाली है दमा, न साथी कोई जिससे मंजिल हो आसा, न महरम कोई जो सुने दर्द पहना, तेरे बिल पे खुश खुश है इस तरह जाते कि जाकर खजाने हैं अब कोई पाए। तशरी, सफ़र नंबर 135, वो मुसाफिर जिनके पास कोई सफ़र खर्च नहीं, उनका दामन खाते पीने की अशिया से भी खाली है, न सफ़र में उनका कोई साथी है जिसके हमराह सफ़र आसान हो जाए, और न इसका कोई हमराज जिसको अपने दिल का पोशीदा गम सुनाकर दिल का बोझ हल्का कर दे। ए उम्मीद, सिर्फ तेरे सहारे वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और अपनी मंजिल पर पहुँच कर उनमें से बाज़ ख़जानों के मालिक बन सकते हैं। शेर, ज़मीन जो तने को जब उठता है जोता, समय का गुमान तक नहीं जब के होता, शब रोज़ मेहनत में जान खोता, महीनों नहीं पाँव फैला के सोता, अगर मोजन इसके दिल में ना तो हो तो दुनिया में गुल भूख का 400 होता। तशरी, ए उम्मीद, जब हल चलाने वाला ज़मीन में हल चलाने के लिए उठता है तो इसे रोशनी की किरण दिखाई देने का गुमान नहीं होता, वो जिस बीज को ज़मीन में डालता है इसके बराबर होने की कोई ज़मानत नहीं होती, फिर भी वो दिन रात मशक्क़त मेहनत करके तकलीफ़ें उठाता है और महीनों वो आराम की नींद सोने से महरूम रहता है। अगर तू इसका शिकार को मेहनत व मशक्क़त पर ना उकसाता तो भूख की वजह से दुनिया में हंगामा और शोर बरपा होता और दुनिया कहत से दो चार होती। शेर, बने इससे भी अगर सवा अपने दम पर, बुलाओं को हो सामना हर कदम पर, पहाड़ एक फजों ओ हो हर कदम पर, गुजरनी हो जो कुछ गुजर जाए हम पर, नहीं फिक्र तो दिल बढ़ाती है जब तक, दिमागों में बू तेरी आती है जो तक। तशरी, अगर हमारी जान पर इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ आ जाए और हर कदम पर हमें तकलीफ़ें और मुसीबतों का सामना करना पड़े और पहाड़ जितने गम और पहाड़ गमों का हमारे सर पर आ पड़े, हमें जितने भी दुख पहुँचे इसे बाखुशी बर्दाश्त कर लेते हैं। ए उम्मीद, जब तू हमारा हौसला बढ़ाती है तो हम किसी बात की फ़िक्र नहीं करते, जब तक तेरी बो दिमाग में आती है हमारी दिमाग मुअत्तर रहता है। सफ़र नंबर 136, मशकी सवालात के जवाब। सवाल नंबर 1, जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे हों उसे मुसद्दिस कहते हैं, आपके निज़ाम में कौन कौन सी ऐसी नज़में शामिल हैं जो मुसद्दिस की हैसियत में लिखी गई हैं? जवाब, हमारे निज़ाम में जो नज़में मुसद्दिस की हैसियत में लिखी गई हैं उनके नाम दर मुराद, तख्त फ़र्ज़ पर अली अकबर का ख़िताब, मुसद्दिस हाली वगैरह हैं। सवाल नंबर 2, दूसरे बंद की वजाहत तारीख़ी हकाइक की रोशनी में करें। जवाब, इस बंद में नूह अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम, अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलैखा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आने वाले वक़ात की तरफ इशारा किया गया है, इसे तलमी कहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब नाफरमान उम्मत को गर्क करने के लिए तूफ़ान आया तो नूह अलैहिस्सलाम अपने ईमानदार साथियों समेत कश्ती पर सवार हो गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और घर आकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि यूसुफ भेड़िया खा गया, तो याकूब ने शिद्दत गम के बावजूद सब्र से काम लिया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलैखा को जब यूसुफ़ की कुर्बत नसीब नहीं हुई और वो जेल में डाल दिए गए तो गम हिजरा में सारी ज़िंदगी तड़पती रही और गम बर्दाश्त करती रही। यूसुफ़ जब एक नाकर्दा गुनाह की पादाश में जेल भेज दिया गया तो इसने बड़ी खंदा पेशानी से जेल जाने की सख्तियाँ झेलीं। शायर कहता है कि इन हस्तियों ने जो भी दुख दर्द झीला वो उम्मीद के सहारे बर्दाश्त किया। सवाल नंबर 3, नज़म उम्मीद का खुलासा लिखें। सफ़र नंबर 137, जवाब, नज़म उम्मीद का खुलासा मुसद्दिस के अनवान से नोट में मौजूद है। सवाल नंबर 4, नज़म में जो अल्फाज एक दूसरे के मतजाद इस्तेमाल हुए हैं उनकी निशानदेही करें। जवाब, नज़म में जो अल्फाज एक दूसरे के मतजाद इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं, उम्मीद और नाउमीदी,
बिगड़ना और बनाना, अखड़ना और जमाना, उजड़ना और बसाना, अंधेरा और उजाला, पैर और जवां, खुर्द व कलां, तूगर और गदा, शब और रोज़ वगैरह। सवाल नंबर 5, तलमी की तारीफ़ करें और इस नज़म से तलमीहात चुन कर इसकी वजाहत करें। जवाब, नज़म या नसर में किसी वाक़े, किस्से या कहानी की तरफ इशारा किया गया हो इसे तलमी कहते हैं। इस नज़म में तूफ़ान नूह, याकूब कनान, जुलेखा, यूसुफ, सिकंदर और कोलम्बस तलमीहात हैं। तूफ़ान नूह में इस तूफ़ान का जिक्र है जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में अल्लाह ताला ने नाजिल किया था और नूह और उनके साथियों को कश्ती के ज़रिए बचाया था। याकूब और कनान में इस किस्से की तरफ इशारा किया गया है जिसमें यूसुफ को इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था और याकूब इनकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। जुलेखा उस औरत का नाम है जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी और जिसने यूसुफ को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ हरबों से काम लिया था और इसकी तरफ बढ़कर इसकी कमीज़ फाड़ डाली और इल्ज़ाम उल्टा यूसुफ पर लगाया था। यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा था जिसे अपने भाइयों ने कुएं में डाला था और एक काफ़िले ने कुएं से निकाल के मिस्र में अजीज़ मिस्र के हाथों फरोख्त कर दिया था। अजीज़ मिस्र के घर में रहते हुए इसकी बीवी बुरी नीयत से उसकी तरफ बढ़ी और इस दौरान उसकी कमीज़ फट गई। इल्ज़ाम उल्टा यूसुफ पर लगाया गया और इसे जेल में डाल दिया गया। सिकंदर यूनान का बादशाह था। इसने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया को फतह किया था। कोलंबस का ताल्लुक स्पेन से था। वो एक जहाजरान था। हिंदुस्तान की तरफ समंदर में सफ़र करते हुए वो रास्ता भूल गया और मौजूदा बहर आज़म अमरीका के साहिलों पर उतर गया और इसी तरह इसने गैर इरादी तौर पर एक नई दरियाफ्त कर ली। सवाल नंबर 6, मुजाज़िम रसल की तारीफ़ करें और मिसालें दें। जवाब, मुजाज़े मुरसल अल्फाज के हकीकी मानों और मिजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो इसे मिजाज मुरसल कहते हैं। मसलन जज़ो बोल कर कुल मुराद लेना, कुल बोल कर जज़ो मुराद लेना, सबब बोल कर सबब निकालना, मसबब बोल कर सबब मुराद लेना, ज़र्फ़ बोल कर मसरूफ़ मुराद लेना, मसरूफ़ बोल कर ज़र्फ़ मुराद लेना, आला बोल कर साब आला या वो चीज़ मुराद लेना जिसके लिए वो आला बना हो, माजी की हालत से मौजूदा हालत मुराद लेना, मुस्तकबिल को मौजूदा हालत से ताबीर करना, मसलन हज पर जाने वाले किसी शख्स को हाजी कह देना और डॉक्टर की तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म को डॉक्टर कहना। सफ़ा नंबर 138, नज़म नसीहत अखलाकी, मुसन्निफ़ अकबर अलाबादी। मुश्किल अल्फाज और मायनी, लफ्ज़ सरूर मायने खुशी, लफ्ज़ करम मायने फजल, लफ्ज़ पंद मायने नसीहत, लफ्ज़ लब मायने होंठ, लफ्ज़ अफकार मायने फ़िक्र की जमा, लफ्ज़ नाजा मायने फ़ख्र करने वाला, लफ्ज़ होनहार मायने लाइक काबिल, लफ्ज़ कलाम मायने बातें, लफ्ज़ बर्ताव मायने सलूक, लफ्ज़ मुईन मायने मददकार, लफ्ज़ अहल शऊर मायने अक्लमंद, लफ्ज़ नफूर मायने नफ़रत करने वाला, लफ्ज़ वफूद मायने बहुत ज़्यादा, लफ्ज़ गयूर मायने गैरतमंद, लफ्ज़ धुन मायने फ़िक्र, लफ्ज़ मुतलिक मायने बिल्कुल हरगिज़। सफ़र नंबर 147, अशार की तशरीह। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है, है ज़िंदगी का लुत्फ़ और दिल का सुरूर है। तशरीह, लोग कहते हैं कि बेटा आँखों का नूर होता है, वो ज़िंदगी का मज़ा और दिल की खुशी का बाइस होता है। शेर, घाम में इसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है इस पे बाप तो माँ का गरूर है। तशरीह, लोग कहते हैं कि बेटी की वजह से घर में हर तरफ नूर ही नूर होता है। बाप इस बात पर बड़ा फ़ख्र करता है कि वो एक बेटे का बाप है और माँ का गरूर भी देखने के काबिल होता है। शेर, खुशकिस्मती की ही इसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा की करम का जहूर है। तशरीह, लोग बेटे को बुलंद इकबाली की निशानी समझते हैं और कहते हैं कि घर में बेटे का होना दरअसल अल्लाह की फ़जल और मेहरबानी है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तिफ़ाक़, इसका भी ये कौल कि ऐसा ज़रूर है। अकबर अलबादी कहते हैं कि मैं भी लोगों के इन ख्यालात से इत्तिफाक़ करता हूँ और कहता हूँ कि लोगों का यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता शर्त यह है कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है, लेकिन शर्त यह कि बेटा लायक और फरमाबरदार हो,
नेकियों की तरफ माइल हो और बुरे कामों से दूर भागता हो। सुनता है दिल लगा के बुज़ुर्गों के पंद को, वक्त कलाम लब पे जनाब हजूर के हैं। बुज़ुर्गों की नसीहत दिल के कानों से सुनता हो और बातों के दौरान बुज़ुर्गों को जनाब और हजूर कहकर मुखातिब करता हो। बर्ताव इसका सदक व मोहब्बत से है भरा, इसमें ना है फरेब ना है मकरूह जोर है। वो लोगों के साथ सच्चाई और मोहब्बत से पेश आता है, इसमें धोखा दे मकरूह फरेब ना हो और शिद्दत पसंद ना हो। अफकार वालदेन में है दिल से वो शरीक, हमदर्द है मोहन है अहले शहूर है। उनके वालदेन की सोच और इसकी सोच एक हो, इनमें फ़र्क ना हो। वो वालदेन के साथ हमदर्दी करने वाला हो, उनका मददगार हो और उसके साथ अक्लमंद भी हो। राज़ी हो इस पे बाप के जो कुछ हो मसलत, साबिर है बा अदब है अकील व गयूर है। जो भी मसलत हो उसका बाप उससे राज़ी हो, वो सब्र करने वाला हो अदब करने वाला हो होशियार और गैरतमंद हो। रखता है ख़ानदान की इज्जत का वो ख्याल, नेकों का दोस्त सोहबत बद से नफूर है। वालदेन के साथ साथ वो अपने पूरे ख़ानदान की इज्जत का खास ख्याल रखता हो, वो नेक लोगों का दोस्त हो और बुरे लोगों की सोहबत से नफरत करता हो। कस्ब कमाल की हो शब जोर इसकी धुन, इल्म व हुनर के शौक़ का दिल में वफूर है। दिन रात वो इस सोच में रहता हो कि किस तरह कस्ब और हुनर हासिल करे और इल्म हासिल करने का भी शौक़ इनके दिल में ज़्यादा हो। लेकिन जो इन सफ़ात का मुतल्लिक नहीं पता और फिर भी है खुशी, तो खुशी का कसूर है। अगर किसी बेटे में बयान करदा बिल्कुल मौजूद ना हो और फिर भी ऐसे बेटे को देख कर लोग खुश होते हों, तो मैं ये कहूँगा ये कसूर लोगों का नहीं, ये सब कसूर खुशी का है। सफ़र नंबर 40 मशकी सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, इस नज़म में अकबर अलाहाबादी ने होनहार बेटी की क्या खसूसियात बताई हैं? जवाब, अकबर अलाहाबादी होनहार बेटी की खसूसियात बयान करते हुए कहता है कि बेटा नेक हो, बुराइयों से दूर भागता हो, बुज़ुर्गों का अदब से मुखातिब करता हो, इनकी नसीहतों पर अमल करता हो, धोखेबाज और फरीबी ना हो, वालदेन का फर्माबरदार हो, उनका मददगार और हमदर्द हो, साबिर हो, बाअदब हो और गैरतमंद हो। इसे पूरे ख़ानदान की इज्जत का ख्याल हो, नेक लोगों का दोस्त हो, बुरे लोगों की महफिल से नफरत करता हो, इल्म व हुनर हासिल करने का शौकीन हो। सफ़र नंबर 141। सवाल नंबर 2, नज़म नसीहत अखलाक़ी का ख़ुलासा लिखें। जवाब, नज़म नसीहत अखलाक़ी का ख़ुलासा नोट में मौजूद है। सवाल नंबर 3, दर्ज अल्फाज और महावरात के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। लफ्ज़ नाजा मायने फ़ख्र करने वाला। जुमला, हम इस बात पर नाजा हैं कि हम एक मुसलमान एटमी मुल्क के बाशिंदे हैं। लफ्ज़ ज़हूर मायने ज़ाहिर होना। जुमला, ज़ुहूर इस्लाम से पहले अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे। लफ्ज़ मकरूह ज़ोर मायने धोखा दही और शिद्दत पसंदी। जुमला, मकरूह ज़ोर से काम लेने वाले लोगों को आखिरकार नाकामी का मुँह देखना पड़ता है। लफ्ज़ कस्बे का माल मायने हुनर में माहिर। जुमला, अक्लमंद लोग इल्म व हुनर और कस्बे कमाल हासिल करने में लगे रहते हैं। लफ्ज़ अहले शहूर मायने अक्लमंद। जुमला, वक्त ज़ाया करना अहले शहूर का शेवा नहीं। सवाल नंबर 4, नज़म नसीहत अखलाक़ी का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। जवाब, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि लोग बेटा पैदा होने पर खुशी मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। क्या बेटा वालदेन की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा करेगा या उनकी इज़्ज़त खाक में मिलाएगा? अगर बेटा वालदेन की रसवाई के सबब बनता है तो इससे बेटे का ना होना बेहतर है। सवाल नंबर 5, नज़म नसीहत अखलाक़ी के कवाफ़ी लिखें। जवाब, नज़म नसीहत अखलाक़ी के कवाफ़ी। नूर सरूर गरूर ज़हूर दूर हजूर ज़ोर शोर गयूर नफूर वफूर कसूर। अज़ीज़ तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद 2011 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुदमुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। इदारा ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर के नाबीना तलबा की तालीमी मुश्किलात और रुकावटों को दूर करने के लिए एफ़ेता मास्टर्स लेवल की निसाबी कुतुब और कोर्सेज़, जिनमें इलामा इकबाल ओपन
यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी शामिल हैं को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने का एहतमाम किया है, ताकि नाबीना तलबा आला तालीम तक रसाई हासिल करके मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ये तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नाबीना तलबा को बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी इस तालीमी सहूलत से इस्तफादा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdoatd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, राबता नंबर 0345-9541-838 यानी 0345-9541-838। सफ़र नंबर 149, नज़म पुराना कोट, मुसन्निफ़ सईद मोहम्मद जाफरी। मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। लफ्ज़ जाड़ो मायने सर्दी, लफ्ज़ नुक्तादान मायने अकलमंद, लफ्ज़ गोरा मायने अंग्रेज़, लफ्ज़ वास्को डू गामा मायने पुर्तगाल के एक बहरी जहाजरान जिसने समंदर में हिंदुस्तान का रास्ता दरियाफ्त किया था, लफ्ज़ मार्को पोलो मायने इटली का मशहूर सियाह, लफ्ज़ कलील मायने कम थोड़ा, लफ्ज़ बाबा आदम मायने तवीलुल उमर, लफ्ज़ काज मायने बटन के सुराख, लफ्ज़ खराज मायने महसूल, लफ्ज़ सदाए आम मायने आम इलाम, लफ्ज़ आजमूदा कार मायने तजर्बा कार, लफ्ज़ वाजा मायने बनावट, लफ्ज़ खस्ता सामान मायने बुरी हालत, लफ्ज़ जे बोलना मायने जिंदाबाद कहना, लफ्ज़ आफ्ताब मायने सूरज, लफ्ज़ दहान जख्म मायने मुँह का जख्म, लफ्ज़ अंकड़ी मायने छोटी आंख। अशार की तशरीह, खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल न सके ये नहीं है ऐसा नोट। तशरीह, शायर सैयद मोहम्मद जाफरी कहते हैं कि मैंने गुज़श्ता सर्दियों के मौसम में नीलाम की दुकान से एक पुराना कोट ख़रीदा। ये उस नोट की तरह हरगिज़ नहीं है जो फटा हुआ हो और चल न सके, इसकी हालत फटे हुए नोट से बेहतर है। सफ़ा नंबर 150, बना है कोट पे नीलाम की दुकान के लिए, सलाए आम है यारान नुक्ता दान के लिए। तशरी, नीलाम की दुकान में फ़रोख करने के लिए इसकी बाकायदा मरम्मत की गई है और इसकी नोक पलक दुरुस्त की गई है। अकलमंद और बारीक बीन दोस्तों को आम दावत दी जाती है कि वह आकर इसका बगौर मायना करें। बड़ा बुजुर्ग है ये, आजमूदा कार है ये, किसी मरे हुए गोरे का यादगार है ये। तशरी, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका तजर्बा भी ज़्यादा है, किसी मरे हुए नागरेज़ की आखिरी निशानी है। पुरानी वाजा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका उसे खुद वास्को डी गामा है। तशरी, ये पुरानी वजह कता का बहुत अजीब व गरीब लिबास है और पुर्तगाल के मशहूर जहाजरान वास्को डी गामा के जेर इस्तेमाल रहा है। ना देख कोहनियों पे इसकी खस्ता समानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। तशरी, इस कोट की कहानियों की हालत अगरचा बहुत ख़राब है लेकिन इतनी काबिल एतराज़ बात नहीं, क्योंकि पहले तुर्कों फिर ईरानियों ने इसे पहनकर इस हालत तक पहुँचा दिया है। जगह जगह ये फिरा मशल मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है इसकी जे बोलो। तशरी, इस कोट ने ज़माने के माह गर्म सर देखे हैं, इटली के मशहूर सियाह मार्को पोलो की तरह ये तमाम दुनिया की सैर कर चुका है, ये दुनिया के तमाम कोटों का लीडर है, इसकी इज्जत हम पर फ़र्ज़ है और इसकी दराजी उम्र की दुआ करनी चाहिए है। बड़ा बुजुर्ग है वो गो कलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। तशरी, इस कोट की उम्र बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका बेशुमार बुज़ुर्गों में होता है लेकिन इसकी कीमत बहुत कम है। और दूसरी बड़ी बात यह कि घर में किसी बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी दुआओं से फैज़याब हुआ जा सके। सफ़ा नंबर 151 है, इस पे धब्बे जो सुर्खी और स्याही के निशान है किसी टीचर की बादशाही के। तशरी, इस कोट को स्कूल के किसी उस्ताद ने भी इस्तेमाल किया है क्योंकि इस पर सुर्ख और स्याह दाग जगह जगह मौजूद हैं जो स्याही के दाग ही हो सकते हैं, जो किसी उस्ताद की निशानी के तौर पर अब भी मौजूद हैं। जगह जगह जो ये कपड़ों की ज़र्बकारी है, नई तरह की ये सनत है, दस्तकारी है। तशरी, कीड़ों ने इस पर हमलावर होकर अजीब व गरीब हालत कर दी है जिसकी वजह से ये एक नई सनत और दस्तकारी का नमूना बन गया है। कीड़ों ने इसे जो
चरके लगाए हैं वो फूल और बेल बूटे लग रहे हैं। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को कि आफ्ताब चुरा ले गया है रंगत को। तशरी, अगर चाहे इसका असल रंग सूरज की गर्मी से मधुम हो चुका है और वह अपनी असलियत खो चुका है, लेकिन कदरदान लोग इसकी कदर कीमत से वाकिफ़ हैं और इसकी कदर करते हैं। ये कोट कोटों के नाम का बाबा आदम है, अगर चाहो नगाह जो नगाह से कम है। तशरी, कम निगाह लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो दूर अंदेश और तजर्बेकार लोग हैं उनको मालूम है कि ये कोट दुनिया के तमाम कोटों का जद अमजद है और तमाम कोटों से पहले बनाया गया है। दहाने जख्म की मांदन हंस रहे हैं, काज वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खराज। तशरी, मुँह के जख्म की तरह इसके काज खुल गए हैं, किसी चीनी की छोटी छोटी आंखों की तरह दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। तशरी, इस कोट पर जा बुझा जो घी के धब्बे नज़र आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि किसी हलवाई ने भी इसे ज़ेब तन किया है। गुज़श्ता सदियों की तारीख का वक है ये कोट, ख़रीदो इसको, इबरत का एक सबक है ये कोट। तशरी, ये कोट गुज़श्ता सैकड़ों सालों की तारीख का एक वर्क मालूम होता है। इसका मुताला करने से गुज़श्ता ज़माने के लोगों की तहज़ीब और सकाफत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस कोट को ज़रूर ख़रीदो, क्योंकि ये वो किताब है जिसे पढ़कर इबरत हासिल की जा सकती है। सफ़ा नंबर 152। मश्की सवालात के जवाब। सवाल नंबर 1, शायर ने पुराने कोट की कामियों को कैसे खूबियाँ बनाकर पेश किया है? जवाब, ये कोट अगरचा पुराना है लेकिन तजर्बेकार है। इस पर कीड़ों ने हमला करके इसकी शक्ल बिगाड़ दी है, लेकिन ये एक सनत और बेहतरीन दस्तकारी का नमूना बन गया है। ये कोट दुनिया का पहला कोट है, इसकी कदर करना हम पर फ़र्ज़ है। ये तमाम कोटों का लीडर है, ये गुज़श्ता सदियों की तारीख है। इसका बग़ूर मायना किया जाए तो हमें मुख्तलिफ़ कौमों और इलाकों की तहजीब व तमदन और सकावत मालूम हो सकती है, और उन कौमों के हालात का मुताला करके हम इबरत हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, तशबिया और इस्तारे से क्या मुराद है? इस नज़म में शायर ने पुराने कोट के लिए क्या क्या तशबीहात और इस्तारात इस्तेमाल किए हैं? जवाब, तशबी के लकवी मायने मांदर और मांदंत और मिसल के हैं, यानी एक चीज़ को किसी ख़ास सिफत की बिना पर दूसरी चीज़ के मुशाबे करार दिया जिसमें वो सिफत मुसलमला तौर पर पाई जाती हो, तशबिया कहलाता है। मसलन, अकबर शेर की तरह बहादुर है। इस फिक्रे में अकबर मशबा शेर मशबा बा बहादुर जो सिफत मुश्तरक है वजह शोबा और जिस लफ्ज़ से तशबी समझ में आए, यानी तरह हर्फ शोबा कहलाता है। इस्तारा, जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों के बजाय मिजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ हो और हकीकी और मिजाजी मायनों में तशबिया का ताल्लुक हो तो इसे इस्तारा कहते हैं। मसलन, जैद चांद है। इस फिक्रे में जैद मस्तारला है, चांद मस्तारमना है और मस्तार भी खूबसूरती वजह जामा है, जबकि हर्फ शोबा इस्तारे में सिरे से मौजूद ही नहीं होता। नज़म पुराने कोट में इस्तेमाल शुदा तशबीहात और इस्तारात। सफ़ा नंबर 153। तशबीहात, फटा हुआ नोट, मार्कोपोलो, दहान जख्म, तारीख का वर्क। इस्तारात, बुजुर्ग, बाबा आदम, आजमूदा कार, दस्तकारी। सवाल नंबर 3, मिसरे मुकम्मल करें। 1, किसी मरे हुए गोरे की डैश। 2, पहन चुके हैं इसे डैश। 3, मियां बुज़ुर्गों का साया डैश। 4, नई तरह की ये सनत है डैश। 5, गुज़श्ता सदियों की तारीख का डैश। मिसरे के जवाबात। 1, यादगार। 2, तुर्क और ईरानी। 3, बड़ा गनीमत है। 4, दस्तकारी। 5, वर्क के ये कोट। सवाल नंबर 4, नज़म पुराना कोट का मरकज़ी ख्याल लिखें। जवाब, नज़म पुराना कोट का मरकज़ी ख्याल दरअसल वो तंज है जो शायर ने अपने आप को निशाना बनाकर उन लोगों पर की है जो नीलाम से पुराने कोट, बनियान और स्वेटर वगैरह ख़रीद कर बड़े फ़ख्र से पहनते हैं और यूरोपियन अकवाम का लिबास पहनकर खुश होते हैं, हालांकि मामला इसके बरअक्स होता है। सवाल नंबर 5, काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, जैसे कोट और नोट, दुकान और नुक्ता दान। इस नज़म में और कौन कौन से काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं? जवाब, नज़म पुराना कोट के काफ़ी है। पुराना, ऐसा, आजमूदा, कार, यादगार, जामा, वास्को डी गामा, सामानी, ईरानी, मार्को पोलो, बोलो, कीमत, गनीमत, स्याही, बादशाही, कारी, दस्तकारी, कीमत, रंगत, आदम, कम, काज, खराज, चिकनाई, हलवाई, कोट,
सफ़ा नंबर 154। सवाल नंबर 6, जब कोई शायर अपनी नज़म या गज़ल में एक मिसरा किसी दूसरे शायर का इस्तेमाल करता है तो इसे सनत तज़मीन कहते हैं। मसलन, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सिलाए आम है यारा नुक्ता दान के लिए। ऐसे 3 अशार तहरीर कीजिए जिसमें सनत तज़मीन का इस्तेमाल हो। जवाब, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासखन, आप बेबहरा हैं जो मतकद मीर नहीं। गालिब का शेर है ये, मैं किसी पर भी मुबतला ना हुआ, दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। महमूद सरहदी का शेर है ये, मैंने कश्मीर पर चढ़ाई की, जान दे दी हुई इसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। ये महमूद सरहदी का शेर है। नज़म ये सड़कें, मुसन्निफ सैयद ज़मीर जाफरी, मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। सफ़ा नंबर 155। लफ्ज़ ज़्यादुल मियाद, मायने मुकर्रर करदा मियाद से ज़्यादा। लफ्ज़ मादर पर आज़ाद, मायने मुकम्मल तौर पर आज़ाद। लफ्ज़ सैयद, मायने शिकार। लफ्ज़ दामे बरा, मायने बारिश के वक्त। लफ्ज़ बिफरना, मायने बिगड़ना। लफ्ज़ जहर आब होना, मायने हौसला हारना। लफ्ज़ मायनी, मायने एक मशहूर रोमी मुसव्वर। लफ्ज़ शाद, मायने खुश। लफ्ज़ चकताइयाँ, मायने अजीब व गरीब नक्शे। लफ्ज़ जा बुझा, मायने जगह जगह। लफ्ज़ सियाद, मायने शिकारी। लफ्ज़ गर्दाब, मायने बुनवर। लफ्ज़ रुस्तम व सहराब, मायने ईरान के 2 मशहूर पहलवान। लफ्ज़ बहजाद, मायने एक मशहूर ईरानी मुसव्वर। लफ्ज़ चकताई, मायने एक पाकिस्तानी मुसफ़र। लफ्ज़ बरगामे, मायने हर कदम पर। लफ्ज़ खाइयाँ, मायने गहरे गढ़े। लफ्ज़ हल, मायने सब्र। अशार की तशरीह, ज़मीन पर आदमी की औलियन इजाद ये सड़कें, पुराने वक्त के बागदाद की औलाद ये सड़कें, मुरम्मत की हदों से ज़ायदुल मियाद ये सड़कें, हमारे शहर की मादे पदर आज़ाद ये सड़कें, बज़ाहिर सीध लेकिन असल में सियाद ये सड़कें। तशरीह, सैयद ज़मीर जाफरी शहर की सड़कों की नागुफ्ता हालत का जिक्र करते हुए मज़ाहिए अंदाज में कहते हैं कि करे अर्ज़ पर इंसान ने पहली सड़कें ईजाद करके बनाई, और पुराने ज़माने में इराक़ के शहर बगदाद में जो सड़कें मौजूद थीं, हमारे शहर की सड़कें उन सड़कों की औलाद में से हैं। जितनी मुद्दत के लिए सड़कें बनाई गई थीं वो मुद्दत बहुत पहले गुजर चुकी है, और अब हमारे शहर की ये सड़कें तमाम पाबंदियों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। दरअसल ये शिकारी हैं, मतलब ये कि ये ज़ाहिर हमारे लिए हैं लेकिन असल बात यह कि हम इनके लिए हैं। शेर, दामे बरा रहमत गर्द का गर्दाब हो जाना, घड़ों का फैल कर तलाब दर तलाब हो जाना, बिफर कर नालियों का रुस्तम व सहराब हो जाना, मोहल्ले की गली कूचों का जहरा आब हो जाना, महीनों तक बरंग हरचा बदाबाद ये सड़कें। तशरी, ये रहमत की बारिश हो जाती है तो गर्द गुबार एक बुनव भंवर में तब्दील होकर कीचड़ बन जाता है, और सड़कों पर मौजूद घड़े फैल कर पानी के बड़े बड़े तालाबों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सड़क के किनारे नालियों में तुफियानी आ जाती है और गुस्से में रुस्तम और सहराब की तरह ज़ोर आजमाई करने लगती हैं। मोहल्ले की गली कूचों में जल थल हो जाता है और वो हौसला हार कर पानी से भर जाते हैं, और महीनों तक ये सड़कें इसी तरह आबाद रहती हैं। शेर, बहरगाह में सड़क खा जाने वाली खाइयाँ देखो, चीखते रास्तों की टूटती अंगड़ाइयाँ देखो, खड़ी ऊंचाइयों के पेट में गहराइयाँ देखो, घड़ों की जा बजा बेजादियाँ चखताइयाँ देखो, नकोश मानी व चखताई व बेजाद हैं सड़कें। तशरी, इन सड़कों में हर कदम पर गहरे गहरे घड़ों का मुशाहिदा किया जा सकता है, और टूटे फूटे रास्तों के हर लम्हे बदलते नक्शे भी देखे जा सकते हैं, और नीची जगहों के पहलू में गहरे घड़े भी देखने के काबिल हैं। इन घड़ों की लातादाद शक्लें और नक्शे भी दावत नज़ारा देती हैं। मुख्तसर ये कि ये सड़कें रोम के मुसव्वर मानी, ईरान के मुसव्वर बेहजाद और पाकिस्तानी मुसव्वर चखताई के बेहतरीन शाहकार हैं। शेर, हम उनसे हलम व सब्र व शुक्र का पैगाम लेते हैं कि जब चलते हैं कम अज़ कम खुदा का नाम लेते हैं, ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है कि दामन थाम लेते हैं,
हम इनसे मुतमईन हैं और हमसे शादें सड़कें। तशरी, हमारे शहर की ये सड़कें सब्र व शुक्र की तलकीन करती हैं। इन सड़कों ने हमें साबिर और शुक्र बना दिया है। जब हम इन सड़कों पर चहलकदमी करते हैं तो खुदा के नाम का विर्द ज़रूर करते हैं। हमारे काम के हों या ना हों, हम इनसे हर सूरत में अपना काम निकालते हैं, क्योंकि फूलों से कांटे बेहतर हैं जो कम से कम हमारी दामन थाम कर हमें तसल्ली और दिलासा देते हैं। यही वजह है कि हम अपने इन सड़कों से मुतमईन हैं और ये भी कि हम इनसे खुश हैं। सफ़ा नंबर 157, मशकी सवालात के जवाब। सवाल नंबर एक, नज़म में शहर की सड़कों का नक्शा किस तरह खींचा गया है? जवाब, शायर अपने शहर की सड़कों का नक्शा खींचते हुए कहता है कि जितने वक्त के लिए ये सड़कें बनाई गई हैं वो वक्त बहुत पहले गुजर चुका है, इसका कोई वाली वारिस नहीं। बारिश के वक्त ये सड़कें पानी के तालाब बन जाते हैं, गली कूचों में पानी भर जाता है और ये हालत महीनों तक सड़क पर रहती है। सड़क में जा बजा गड़े पड़ गए हैं, सड़क में जा बजा घड़े पड़ गए हैं। इनमें अजीब व गरीब शक्ल व सूरत के घड़े पाए जाते हैं जो मानी बेजात और चिखताई जैसे नामवर मुसवरों की तस्वीर को शर्माते हैं। इन सड़कों ने हमें साबिर शाकिर बना दिया है, इस पर चलते हुए हम खुदा के नाम का विर्क करते हैं। सवाल नंबर दो, नज़म ये सड़के का खुलासा लिखिए। जवाब, खुलासा नोट में मौजूद है। सवाल नंबर तीन, इस नज़म में शायर ने कौन कौन की तलमीहा इस्तेमाल की हैं, वजाहत कीजिए। जवाब, इस नज़म में मंदरजा ज़ेल तलमीहात इस्तेमाल की गई हैं। एक, रुस्तम व सहराब। रुस्तम और सहराब ईरान के मशहूर पहलवान थे। सोहराब रुस्तम का बेटा था। रुस्तम और सहराब एक दूसरे से बिछड़ गए थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक मुकाबले में सोहराब अपने बाप रुस्तम के हाथों मारे गए थे। दो, मानी। मानी एक रोमी मुसव्वर थे। इसने निगार खाना बना लिया था जिसमें बहुत नादिर और शाहकार तस्वीरें होती थी। बेहजाद, बेहजाद एक ईरानी मुसव्विर था जो अपने ज़माने में बहुत मशहूर हुआ था। सफ़ा नंबर 158। चार, चिखताई। चिखताई पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला मौजूदा ज़माने का मुसव्विर है। इसने भी मुसव्वरी के फ़न में बहुत नाम कमाया। सवाल नंबर चार, मिस्र की वजाहत करें। पुरानी कुव्वत के बगदाद की औलाद ये सड़कें। जवाब, पुराने वक्तों में चूँकि पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी और बगदाद बहुत पुराना शहर है, शायर के ख्याल में पुराने ज़माने में बगदाद में जो टूटे फूटे रास्ते थे और जगह जगह गड़े और खाइयाँ थीं, शायद हमारे शहर की सड़कें पुरानी बगदाद की सड़कों की नस्ल से हैं। सवाल नंबर पाँच, दज़ेल के चार अहम काफ़िया अल्फाज लिखिए। इजाद, गर्दाब, नगर, कलम, खार। जवाब, ईजाद, आबाद, बर्बाद, दिलशाद, सियाद, आज़ाद। दो, गर्दाब। खराब, कबाब, रबाब, शराब, ख्वाब। तीन, नगर। शरर, ज़फ़र, ज़र, ख़तर, गुर। चार, कलम। अल्म, सनम, जन्म, कसम, वम। पाँच, खार। नार, बहार, शरार, दियार, खुशगवार। सवाल नंबर छः, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, शायर ने ये मिसरा वावेन में क्यों लिखा है? जवाब, शायर ने ये मिसरा वावेन में इसलिए लिखा है कि ये इसका अपना मिसरा नहीं है बल्कि ये किसी और शायर का है। इल्म बयां की रो से इसे तज़मीन कहते हैं। इसे वावेन में इसलिए बंद किया जाता है ताकि पता चले कि शायर ने इस मिसरे को मुंतखब करके उसकी अजमत और बड़ाई का इजहार किया है। इससे इसका मतलब सरका नहीं है।